समाचार में आपका स्वागत है। 14 दिसंबर 1953, ये दिन, ये तारीख कभी भूली नहीं जा सकती इतिहास में, न आने वाले वक्त में। भारत को एक राष्ट्रभाषा घोषित करने में 14 दिसंबर 1953 में संविधान बेंच ने इसे पारित किया कि ये एक राष्ट्रभाषा और राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा, हिंदी दिवस के रूप में। 1949 में जब संविधान पीठ बैठी तो राष्ट्रभाषा के ऊपर चर्चा हुआ, तो 14 सितंबर की तारीख को तय किया गया और 1953 में इसे पास किया गया। गांधी जी ने सन 1918 में दिल्ली में जो राष्ट्रभाषा का सम्मेलन था, उन्होंने कहा था कि हिंदी जनमानस की भाषा है, इसे हर तरफ फैलना चाहिए, पूरी दुनिया में इसकी पहुंच होनी चाहिए। लेकिन आज जहां जनप्रतिनिधि भारत के पार्लियामेंट में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, वो अंग्रेजी में बोलते हैं। वो सोचते हैं कि अंग्रेजी बोलने से वो बहुत बड़े हो जाएंगे, हिंदी बोलने से छोटे हो जाएंगे। इसलिए आज भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में अंग्रेजी भी बोली जाती है साथ में, लेकिन वहां हिंदी भाषा होनी चाहिए थी। सभी एमएलए को, एमपी को अपने जन समुदाय में जब वो जाएं तो हिंदी का उपयोग करना चाहिए। यही है कि एक बीबीसी की आज सुबह में एक न्यूज चल रही थी, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 27 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं भारत में से 135 करोड़ की आबादी में, सिर्फ 27 करोड़, बाद में सब टूटे फूटे हिंदी बोलते हैं, जिसमें 30 करोड़ से ऊपर ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि पूरे विश्व में हिंदी एक ऐसी तीसरी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, अंग्रेजी और चाइनीज भाषा के बाद। हम तकरीबन 20 देशों में चौथी, पांचवी, छठी, तीसरी राष्ट्रभाषा भी हिंदी रखी गई है। आज दरभंगा के केएस कॉलेज में हिंदी भाषा दिवस का समारोह रखा गया। यहाँ के प्रधानाचार्य, साथी और जो उनके शिक्षक थे, उन सभी ने जो कहा, हम तो यकीन मानिए, मेरा मानना है कि वो हर जुबान पर कमांड हासिल करेगा। आज मैं हिंदी दिवस के मौके पर तमाम देशवासियों को ही नहीं, हमारे जितने भी लोग पूरी दुनिया के अंदर में है जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन्हें इसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप हिंदी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। आप जिस भाषा को भी जानने वाले हैं, लेकिन आप हिंदी को समझ कर तो देखिए, हिंदी बोल कर तो देखिए, हिंदी सीख के तो देखिए, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम एक नए एहसास कर रहे हैं। आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं तमाम लोगों को, अपने यहाँ बैठे हुए लोगों को, अपने सुनने वाले लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा किया था और 14 सितंबर को हम उसी उद्देश्य के साथ हिंदी दिवस मनाते हैं, ताकि सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का अधिकतम उपयोग करें। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मातृभाषा की अहम भूमिका रही है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी की मान्यता इस बात से भी लगाई जा सकती है कि हिंदी भाषा अपने आप में कई भाषाओं, खास करके हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी विश्वभर की बात राष्ट्रीय विद्या की बात सभी भाषाओं के संबंध में बात आपने कहा, और आप अच्छे होते आपके भाषण से बात होगा। और हम कहेंगे तो कहेंगे कि आपकी बात निश्चित रूप से पता चाहती है, क्योंकि आपको ईमानदारी से लागू करना पड़ेगा। हिंदी भाषा को वैश्वीकरण के इस युग में उसको बाजार से जोड़ना पड़ेगा, उसको व्यवसाय से जोड़ना पड़ेगा, उसको तकनीकी ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हिंदी के विकास का वह मार्ग प्रशस्त होगा जिसकी अभ्रावना हमारे संविधान गुरु ने एवं महात्मा गांधी ने देखा था कि हिंदी एक राष्ट्र सच्चे रूप में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में अवतरित और हमारे सामने है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय न लेते हुए उर्दू के और हिंदी के समान को लैंग्वेज को उसने अडॉप्ट किया, तो जिंदा जबानें वही होती है जो दूसरी जबानों को भी अल्फाज को, वर्ड्स को अडॉप्ट करके उसके कोश को उसको डेवलप
फैल नहीं सकती है, आम लोगों की तो भाषा नहीं बन सकती है, ठीक है, राजभाषा बना दीजिए कर दीजिए, लेकिन आम भाषा अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी आम को जब हिंदुस्तानी भाषा हम उसको जो नागरिक लिखेगा ना हिंदी है, आम लोगों की भाषा होनी चाहिए। साथ ही उसमें अगर संस्कृत के अनुमान उसमें डालेंगे साथ उर्दू के अनुमान उस तरह से डालेंगे तो भी अच्छा नहीं है। तो हिंदुस्तानी प्रारूप है, इसमें तरह तरह की बहुत सारी सवाल बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो सबका समावेश करके और हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसको और उन्नति देने के लिए उसका हम ज्यादा ज्यादा प्रयोग करें और लोगों को बताएं कि भाई ये हमारे मूल की कॉन्टैक्ट की भाषा है, संपर्क की भाषा है और रास्ते की जबान है। जब तक हम उसको रास्ते की जबान